हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूँ, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को लास्ट क्लास से समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, डेसिमल फ्रैक्शंस के पार्ट टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है मेरा ऑफलाइन बेस चल रहा है, किसी को अगर इच्छा है ज्वाइन करने का तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे सारे डिस्क्रिप्शन सारे डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो ये मेरा वेबसाइट है, आप जाके देख सकते हो, अभी भी मेंटेनेंस पे ही है। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हम लोगों को पता चला फ्रैक्शन तीन टाइप्स के होते हैं, सिंपल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस और कंटिन्यू फ्रैक्शंस। तो हम लोगों ने पहले सिंपल फ्रैक्शंस के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो सिंपल फ्रैक्शंस क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शन जो है वो एक पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, जो कि क्यू हमेशा क्या होता है, हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो पी बाई क्यू फॉर्म होता है, क्यू ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्शंस का ये दो तीन पार्ट, चार पार्ट देखा था। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर, तीसरा है सिंपल सेमी फ्रैक्शन और चौथा है मिक्स फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या था? पी बाई क्यू फॉर्म था, जो कि वन से ऑलवेज छोटा होता है, जो पी ऑलवेज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू क्यू। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म जो होता है वो एक्स से हमेशा बड़ा होता है। और सेमी फ्रैक्शन जो भी मतलब फ्रैक्शन दिया रहता है, अगर वो इंटीजर पार्ट देता है तुमको, तो वो क्या है? सेमी फ्रैक्शन है। और मिक्स फ्रैक्शन में दोनों इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ऐसे दे देगा आपको, आपको निकलना होगा मिक्स मिक्स फ्रैक्शन। तो मैंने डिस्कस मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो होमवर्क दिया था वो भी आप लोग शायद आप लोग कर चुके होंगे, तो आंसर प्लीज बता देना। तो ये डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो करेंगे। तो ये 11/2 -2 1/3, ये मैंने क्या बताया, जो इंटीजर पार्ट है उसको पहले सॉल्व करो। तो क्या होगा, 11 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। और 11 18, 18 - 2 कितना हो जाएगा? 18 - 2 16 16। फिर प्लस 1/2 -1/3 +2/5, ठीक है, प्लस 1/6। अभी इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करो, तो सॉल्व करते वक्त कितना आ जाएगा? 16 प्लस, अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना ले सकते हैं? 30 ले ले। ठीक है, और 30 नहीं लेने से भी चलेगा, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, ये जो 1/2 और -1/3 है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा? 16 + 6, ठीक है, 3 - 2 +2/5 +1/6, तो 16 यहाँ पे कितना आएगा? +1/6 +2/5 +1/6, तो ये 1 + 1/6 और +1/6 दो है, तो कितना दे देगा आपको? 16 +2/6 मतलब 1/3 +2/5। हमेशा सोचना कि किस तरीके से हम जल्दी कर पाए। ठीक है, तो 16 प्लस यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं 15, 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 प्लस 6 11, तो 16 आंसर क्या हो जाएगा? 16 11/15 हो गया आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ सबका आंसर सही हो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, अगर किसी को कोई डाउट है, तो समझ में नहीं आ रहा है, ये मत लिखो, ये काट दो, ठीक है, वो बता देना। ठीक है, तो आज टॉपिक हेडिंग डालो कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन। यही पार्ट है जो ज्यादातर एग्जाम्स में दिखाई देता है। ठीक है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए बोलता है और तुमको निकलने के लिए देता है क्या, जो भी लार्जेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस किस तरीके से होता है? आपका एक होगा आपका असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, छोटा से बड़ा, बड़े से छोटा, तो असेंडिंग ऑर्डर हमेशा यहाँ पे ए दे रहा है ना, हमेशा याद रखना छोटे से बड़ा, लो टू हाई,
ठीक है, छोटे से बड़ा, और ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर वो क्या है, हाई टू लो, ठीक है, ये लो टू हाई, या फिर लो टू बिग, बिग टू लो, ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब बड़े से छोटा और ये छोटे से बड़ा, ठीक है। तो पहले कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस के कंपैरिजन, ठीक है। पहले कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम लोग करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस के कंपैरिजन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले एग्जांपल्स हम लेते हैं 5/12 कॉमा 6/12 कॉमा 7/12 8/12 एंड 9/12, ठीक है। तो अगर आपको ढूंढने दें लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, टेल मी व्हिच व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन इसमें दिया हुआ है, कौन सा लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर न्यूमरेटर मतलब ये क्या है क्यू है और ऊपर वाला क्या है पी है, हमेशा अगर क्यू अगर इक्वल आ रहा है, मतलब 12 12 यहाँ पे अगर सब इक्वल आ रहे हैं, नीचे वाला जो पार्ट है जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो अगर सब में सेम है, ऊपर वाला पार्ट जो वेरी कर रहा है, तो हमेशा याद रखना ऊपर वाला पार्ट जो है ऊपर वाला पार्ट से ही कंसिडर होगा, जो कि 5 6 7 8 9, मतलब नीचे वाला पार्ट को हम इग्नोर करते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट में जो भी बड़ा संख्या आता है वो भी बड़े होता है, मतलब 9 होगा। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, 5, मतलब 9/12 और 5/12 इज द आंसर, ठीक है। मतलब हमेशा याद रखना नीचे वाला पार्ट अगर इक्वल आ रहा है, अगर ऊपर वाला पार्ट अगर वेरी कर रहा है, ठीक है, तो लार्जेस्ट जो भी होगा ऊपर में वही होगा लार्जेस्ट, और नीचे जो भी स्मॉलेस्ट होगा ऊपर वाला पार्ट में, मतलब इन्यूमरेटर पार्ट में वही स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो ये पहला केस। अगर सेकेंड केस हम देखते हैं, अगर इसमें नीचे वाला इक्वल आ रहा है, अगर ऊपर वाला इक्वल आया तो क्या करेंगे हम, तो ऊपर वाला इक्वल आते हैं तो इसका ओपोजिट करते हैं, मतलब 1/3 1/4 1/5 1/6 1/2, ठीक है, ऐसे अगर दे दिया, मतलब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है, जो पी पी पार्ट है, ये तो ऊपर वाला क्या है पी है न्यूमरेटर और नीचे वाला क्यू है, अगर ऊपर वाला पी इक्वल आ रहा है सब में और नीचे वाला वेरी कर रहा है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, नीचे वाले में जो भी छोटा रहेगा वही सबसे ज्यादा होगा, सबसे बड़े होगा, ठीक है, और नीचे जो भी बड़ा संख्या होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो कौन सा छोटा होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा, 1/2, ठीक है, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 1/6, ठीक है, 1/5 इज अ 1/2 इज अ लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड स्मॉलेस्ट इज अ 1/6। तो इसमें से हम लोगों ने क्या सीखा कि नीचे वाला पार्ट अगर समान आ रहा है, ऊपर वाला पार्ट वेरी कर रहा है, तो ऊपर वाला पार्ट में जो भी बड़ी संख्या होगा वही लार्जेस्ट होगा, और छोटे छोटे जो होगा वही स्मॉलेस्ट होगा, तो इजी है। और जो भी सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा, अगर ऊपर वाला अगर न्यूमरेटर पार्ट में आपका सेम आ रहा है और नीचे वाला पार्ट वेरी कर रहा है, तो नीचे वाला पार्ट में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा संख्या होगा, और जो भी सबसे बड़ी संख्या होगा वो सबसे छोटी संख्या होगा, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। चलो, तो कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन में और भी ऐसे तो नहीं कि सब ऐसे दे देगा, वेरी कर सकता है, तो वेरी करने से वेरी अगर करता है तो हम लोग के पास दो मेथड है जो हम निकल सकते हैं, जो कि कंपेयर करके, ऐसे तो बहुत सारे मेथड होता है लेकिन दो ऐसे प्रॉपर मेथड है जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हेडिंग दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है, मान लो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स दिया, ठीक है, एक लेते हैं 7/8 और एक लेते हैं 9/15, तो इनमें से सबसे बड़े कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, हम लोगों तो पता ही नहीं है, तो डिवाइड करने से भी टाइम लगता है। तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है, ये जो 15 है इसका क्या होता है, गुना होता है 7 के साथ,
और जो भी गुनाह करते हैं, करने के बाद जो भी आता है, मतलब 15 7 जा कितना होगा, 105 होगा। तो 15 7 जा 105 जो आएगा इसके नीचे बैठेगा, मतलब इसका वैल्यू है, ठीक है। 7/8 का वैल्यू है 105, और 8 का जो है, 8 जो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 9 के साथ, और रिजल्ट कहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, जो कि 72। तो बड़े संख्या कौन सा है, 7/8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप क्या कर सकते हो, बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चार पांच दे दिया तो आप लोग क्या करना, एक एक करके कंपेयर करना, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिया, तो दूसरा कुछ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बड़े संख्या लेते हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा। तो 4/7, 5/15, 5/13, 7/8, 3/5, ठीक है, ये लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे बड़े संख्या कौन सा है, पहले ये जो है पहला जो है इसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन करने से 7/5 जा 35, और 13/4 जा 52, ठीक है। तो कौन सा बड़ी संख्या निकला, 4/7। तो 4/7 को हम लोगों ने लिख लिया, तो इसके साथ किसका कंपैरिजन होगा, ये जो 5/3 है, 13 है, वो तो हार गया, उसको आउट कर दो, तो इसके साथ 7/8 का कंपैरिजन होगा। तो 7/8 हम लोगों ने लिया, तो इसका फिर करो, 8/4 जा 48, और 7/7 जा 49। सिर्फ एक पॉइंट के लिए कि कौन जीत गया, 7/8, ठीक है। तो सबसे खेल में कौन जीता, 7/8। अभी 7/8 के साथ किसका कंपेरिजन होगा, 3/5, तो 7/8, 3/5, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7/5 जा 35, और 8/3 जा 24, तो कौन जीत गया, 7/8। तो आंसर लार्जेस्ट कौन सा होगा, लार्जेस्ट 7/8। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। पहले जो है उसके साथ सेकंड का कंपैरिजन करना, दोनों में से जो भी बड़ी संख्या आएगा, मतलब लार्जेस्ट में, उसके साथ दूसरे जो है उसका करना, जो जिसके साथ कंपैरिजन कर ले उसको आउट कर देना, ठीक है। स्मॉलेस्ट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अभी मान लो इसको मल्टीप्लाई किया, अभी स्मॉलेस्ट कौन सा है, 35 आया, तो ये 5/13 को फिर 7/8 के साथ, मतलब जो भी स्मॉलेस्ट होगा स्मॉलेस्ट के साथ भी वैसे ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग ये कर लेना, एक आपको दे रहा हूँ, आप घर पे करना और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, 7/8, 11/13, 8/17 और 9/23, ठीक है। ये करना आप कमेंट सेक्शन में, ये 17 है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर बताना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो कंपैरिजन जो भी आप कंपेयर कर रहे हो उसका जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, 13 के साथ 4 मल्टीप्लाई का हम लोग कहाँ पे बिठाया, 52 नीचे, उसका नीचे बिठाया, तो वो इसी तरीके से आप करिए। तो ये हम लोगों ने लार्जेस्ट का निकाला, स्मॉलेस्ट भी आप लोग निकाल सकते हो ऐसे ही, इसी तरीके से, ठीक है। जो भी स्मॉलेस्ट निकला वो जीतेगा, ठीक है। जब हम लोग स्मॉलेस्ट निकालेंगे, तब जो भी स्मॉलेस्ट निकलेगा वही जीतेगा। तो उसके साथ सेकंड वाले का कंपेयर करेंगे, उसमें से जो स्मॉलेस्ट निकलेगा वही जीतेगा, ठीक है। यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस, डिफरेंस एलसीएम मेथड, ठीक है। डिफरेंस एलसीएम मेथड में क्या होता है, मान लो एग्जाम्पल्स लेते हैं, 4/7 और 5/13, ठीक है। तो इस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल जाते हैं। तो डिफरेंस मेथड में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेते हैं, इसमें क्या कितना आएगा, 3, और इसका डिफरेंस लेने से कितना आएगा, 8, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 24। अगर एलसीएम नहीं ले जाता तो गुना हो जाता है, तो 24। तो इस 24 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 24/3, ठीक है। 24/3 into 4 इसके लिए, ठीक है, इसके लिए। तो कितना आ जाएगा, 24/3, 8, 8/4 जा 32, और इसमें कितना आएगा, 8 से जो भी आप लोगों का डिफरेंस आया ना उसी से एलसीएम को डिवाइड करना। तो 8/24/8 into 5, हमेशा याद रखना जो भी डिफरेंस निकलता है उसी से एलसीएम को डिवाइड करना, और एलसीएम को डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें क्या आएगा, 8/3 जा 3 into 5 15, तो
कौन सा होगा करेक्ट आंसर, इज अ 4/7 इज द लार्जेस्ट वन। ठीक है, तो इसी तरीके से और एक लेते हैं एग्जाम्पल्स, बड़े संख्या 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10। तो डिफरेंस ले लेते हैं, तो सबका डिफरेंस आप देख रहे हो वन 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 आ रहा है। ठीक है, वन वन आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोग एलसीएम कितना आएगा, वन ही आएगा। तो डिफरेंस वन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो से लार्जेस्ट होगा वो कौन सा होगा एलसीएम लेने से। अगर क्रॉस इसका इसका जो है वो आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी आप लोग निकल सकते हो, और जो कि आपका जो एलसीएम मेथड है वो भी निकल सकते हो। तो एलसीएम कितना आएगा, सबका वन ही आएगा, वन से वन डिवाइड करके इसका सिक्स आएगा। तो ऊपर वाला जो भी है, ऊपर में जो भी बड़े संख्या है वो सबसे लार्जेस्ट होगा। इसमें मतलब समझने वाला बात है कि अगर वन वन डिफरेंसेस आ रहा है तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट होगा 9/10। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, सेकेंड लार्जेस्ट 8/9। इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सब में वन वन डिफरेंसेस आ रहा है। ठीक है, तो वन वन डिफरेंसेस एलसीएम लेने से हम वन लेंगे एलसीएम, तो वन एलसीएम लेंगे, वन से डिफरेंस से वन को डिवाइड करेंगे, फिर किसको डिवाइड करेंगे, फिर किसके साथ गुना होगा, ऊपर न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर के साथ डिवाइड गुना होगा, तो क्या देगा, तो वन डिवाइडेड बाई वन इंटू सिक्स, वन डिवाइडेड बाई वन इंटू सेवन, वन डिवाइडेड बाई वन इंटू एट, वन डिवाइडेड बाई वन इंटू नाइन। तो देखो सब में सेम है, 6, 7, 8, 9, तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, 9 वाला, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, 8 वाला, थर्ड लार्जेस्ट 7, और सबसे लास्ट सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, ऐसे डिफरेंसेस अगर सेम आ रहा है, मतलब वन वन आ रहा है, तो ऐसे कर देना। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि आप देख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आंसर गलत आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, और इसके साथ साथ आप क्या करिए, 2/5, 7/10, 8/11, 12/15 और 17/20 सॉल्व करके आपका इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, पहले वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस का भी मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है, उसका भी निकालो और इसका भी निकालो, निकाल के आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, और समझ में आया ना, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस और डिफरेंस वाला मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों अपोजिट साइड का, और डिफरेंस मेथड में हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेने के बाद उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, और जो भी निकलता है उसी से जो न्यूमरेटर है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर निकालिए, दोनों का आंसर निकल के आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, फिर अगर किसी को कोई डाउट हो फिर नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपका जो डाउट है वो जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रहो और खुद का भी ध्यान रखो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।